आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी, कबीर, तुलसीदास और सूरदास। इसका राइट आंसर होगा तेजाजी। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। बात करेंगे तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ, तेजाजी का ससुराल कहाँ था, तेजाजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में होता, खरनाल नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म होता। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी हैं, तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी हैं। तेजाजी की माता का नाम राम कुंवरी है, राम कुंवरी तेजाजी की माता का नाम है। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे है, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है, पेमल दे। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि मीरा के बचपन का नाम भी पेमल दे था और तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है, पेमल दे। और तेजाजी का जन्म खरनाल में हुआ था, लेकिन इनका मुख्य पूजा स्थल कहां पर है, परबतसर नागौर में। कहां पर है, परबतसर नागौर के अंदर तेजाजी का मुख्य पूजा स्थल है। और जहां पर तेजा दशमी यानी भाद्र शुक्ल दशमी के दिन यहां पर विशाल मेला भरता है। कहां पर, परबतसर नागौर में। पनेर गांव में तेजाजी का ससुराल है। और तेजाजी सेदरिया गांव में तेजाजी को सर्प ने काटा था। और सुरसुरा गांव में तेजाजी की वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी तेजाजी की मृत्यु हो गई थी। और तेजाजी ने लाचा गुजर की जब गाय चोरों के द्वारा चुरा कर ले गए थे, तो उसके साथ युद्ध किया था। वह कौन सा गांव था, मंडावरिया गांव के अंदर मेयर के मीणाओं के साथ तेजाजी ने लाचा गुजर की गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया था। कहां पर, मंडावरिया गांव में। इनकी मृत्यु कहां हुई थी, सुरसुरा गांव में। और इनको सर्प कौन से गांव में दसा था, तो उसका नाम है सेदरिया गांव। और पनेर में तेजाजी का ससुराल है। और तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल परबतसर नागौर में। और तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। और तेजाजी के अन्य नामों की बात करें तो तेजाजी को गायों के मुक्तिदाता, इन्हें तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तेजाजी को काला व बाला देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजाजी को कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में पूजा जाता है। किसान जब हल जोतते हैं उस समय तेजाजी के गीत गाते हैं। और तेजाजी के ऊपर 7 दिसंबर 2010 को डाक टिकट जारी की थी, यानी कि तेजाजी के ऊपर भारत सरकार के द्वारा 7 दिसंबर 2010 को डाक टिकट जारी की गई थी। और तेजाजी की घोड़े का नाम क्या है, लीलन। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन है। और तेजाजी के भोपे को घोड़ला कहते हैं। तेजाजी के भोपे को क्या कहा जाता है, घोड़ला। तेजाजी के भोपे को घोड़ला कहते हैं। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है, बाबूजी, कबीर, गोगा जी या तेजाजी। तो इसका राइट आंसर होगा तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। गायों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। काला व बाला देवता के रूप में जाना जाता है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि तेजाजी सेरिया जनजाति की आराध्य देव है, यानी कि सेरिया जनजाति आराध्य देव किसे मानती है, तेजाजी को अपने आराध्य देव मानती। और तेजाजी का एक अन्य स्थान है बांसी दुगारी जो बूंदी में, तेजाजी का एक पूजा स्थल है। अगला क्वेश्चन, लाचा गुजर की गायों चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की, बाबा रामदेव, बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी। इसका राइट आंसर होगा लाचा गुजर की गायों की रक्षा किसने की थी, तेजाजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म स्थल है ददरेवा, खरनाल, आसिंध, कोलू। तो इसका राइट आंसर होगा खरनाल नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था। और तेजाजी का मुख्य पूजा स्थल परबतसर नागौर में, जहां प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को, जहां तेजादशमी होती है, उस दिन विशाल मेला भरता है। और तेजाजी का ससुराल पन्नेर था। ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म होता। आसिंध भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म होता। और कोलूमंट
जहां पापू जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता या माता सुमेलित नहीं है? तेजाजी, राम प्यारी। तो तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी नहीं था, तो तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कुंवरी था, राम कुंवरी। तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कुंवरी था। रामदेव जी की माता का नाम मैना दे था, बिल्कुल सही है। बाबू जी की माता का नाम कमला दे, बिल्कुल सही है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि बाबू जी की माता का नाम कमला दे और गोगा जी की पत्नी का नाम कमला दे, ये भी याद रखना। और गोगा जी की माता का नाम बाछल देव है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ एक नंबर। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी? मलिनाथ, हड़पू जी, तेजा जी, देव जी। तो इसका राइट आंसर होगा तेजा जी की पत्नी, तेजा जी की मृत्यु होने के बाद में सती हो गई थी। कौन? पेमल देव सती हो गई थी। और पेमल कहां की रहने वाली थी? पनेर अजमेर की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? नागौर, खड़नाल, परबतसर या शाहपुरा? तो तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल परबतसर नागौर में, और जहां प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल को यहां पर विशाल मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिचियाक, परबतसर, सुरसुरा या खड़नाल? तो इसका राइट आंसर होगा पिचियाक, तेजाजी से संबंधित नहीं। परबतसर में तेजाजी के मुख्य पूजा स्थल है, सुरसुरा में तेजाजी की मृत्यु हुई थी, ये अजमेर के अंदर है, खड़नाल के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था, पनेर पूछे की पनेर में तेजाजी का ससुराल है, और प्रश्न पूछे की तेजाजी को कौन से स्थान पर सरप ने डसा था? तो आपका आंसर होगा सेदरिया गांव, सेदरिया गांव अजमेर में, सेदरिया में सरप ने काटा था, और सरप काटने के बाद में फिर सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। और मेर के मीणाओं के साथ तेजाजी का युद्ध कौन से स्थान पर हुआ था? तो आपका आंसर होगा मंडावरिया गांव के अंदर युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, तेजाजी की पत्नी का नाम था, तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल देता। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। अगला क्वेश्चन, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमिलित नहीं है? खंडाल में तेजाजी का जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। पनेर में नन्याल है, गलत है। पनेर जो कि अजमेर में, जहां पर तेजाजी का ससुराल था, तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। सुरसुरा में समाधि स्थल है, बिल्कुल, जहां पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी वहां पर समाधि स्थल बना हुआ था। उसके बाद में जोधपुर के राजा अभय सिंह, उस समय परबतसर के हाकिम के द्वारा सुरसुरा से उनकी मूर्ति परबतसर के अंदर स्थानांतरण कर दिया गया था। परबतसर में मेला का स्थान है, बिल्कुल सही है। परबतसर के अंदर तेजाजी का वर्तमान में मुख्य पूजा स्थल है, जहां पर भाद्र शुक्ल दशमी को विशाल मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो कहां बनाया गया था अभय सिंह के द्वारा मंदिर? परबतसर में। और ये परबतसर कहां है? नागौर में। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है? तो पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के जो चबूतरे होते हैं उसे बोलते हैं थान, और तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उसे बोलते हैं घोड़ला। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़? तो इसका राइट आंसर होगा तेजाजी का पवित्र पूजा स्थल बांसी दुगारी कौन से स्थान है? तो बूंदी जिले के अंदर। और तेजाजी को कौन सी जनजाति अपने आराध्य देव मानती है? तो सेरिया जनजाति तेजाजी को अपना आराध्य देव मानती है, और तेजाजी मुख्य रूप से जाटों के आराध्य देव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ, खड़नाल, परबतसर, कदरियासर, ददरेवा? तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर, ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। आपकी जानकारी ये बता दूं कि गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था,
जेवर सिंह था, ये नागवंशी चौहान जाति के थे और इनकी माता का नाम बांछल देव था, माता का नाम बांछल देव था, पत्नी का नाम केलम दे था, पत्नी का नाम केमल दे था। गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन, अर्जुन व सर्जन के साथ गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो गोगा जी का जन्म ददरे व चूरू गंधर्वा, जिसे हमें शीश मेड़ी कहते हैं, जिसे हम शीश मेड़ी कहते हैं, और गोगा जी को जहाँ मुख्य पूजा स्थल है गोगा मेड़ी, जिसे हम धड़ मेड़ी के नाम से जाना जाते हैं, जिसे धड़ मेड़ी कहते हैं। और गोगा जी का प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी होती है, उस दिन गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर विशाल मेला भरता है। गोगा जी को सांप रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहर वीर की उपाधि दी। किस कौन सी उपाधि दी? जहर वीर की उपाधि महमूद गजनवी के द्वारा गोगा जी को दी गई थी। गोगा जी का मंदिर जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, जो एक मकबरे नुमा, कैसा है? मकबरे नुमा है और उसके ऊपर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो इतनी जानकारी गोगा जी के बारे में आपको याद रखना। और मारवाड़ में कहावत है कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी, ये मारवाड़ के अंदर कहावत है। और गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और एक और बात, बिट्टू मेहा हुए थे, बिट्टू मेहा जिनके द्वारा गोगा जी के रसावले लिखे गए थे। गोगा जी के रसावले किसने लिखे? बिट्टू मेहा के द्वारा लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन, ददरेवा जन्म स्थल है पाबू जी का, तेजा जी का, गोगा जी का, देवनारायण जी का। तो इसका राइट आंसर होगा पाबू जी का जन्म, सॉरी गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा चूरू। और पाबू जी का जन्म स्थान कोलुमंड जोधपुर में, और तेजा जी का जन्म स्थान खरनार नागौर में, देवनारायण जी का जन्म स्थान आसीन भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, गोगा मेड़ी स्थित है चूरू में, हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में और झुंझुनू में। तो गोगा मेड़ी जिसे धड़ मेड़ी कहा जाता है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष गोगा नवमी के दिन विशाल मेला का आयोजन होता है। और गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का अति है। और चूरू में ददरेवा चूरू में जहाँ शीर्ष मेड़ी है, जहाँ शीर्ष मेड़ी है, जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे? तो वह कौन से जिले में जन्म हुआ था गोगा जी का? तो चूरू जिले में, ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है, जिसमें कितनी गांठें होती हैं? तो जिसमें 9 गांठें होती, कितनी होती हैं? 9 गांठें होती। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, गोगा जी के गोगा मेड़ी नहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है, भाद्र शुक्ल नवमी को, जिनी भाद्र कृष्ण नवमी को। तो इसका राइट आंसर होगा गोगा नवमी के दिन गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर विशाल मेला भरता है, जो भाद्र कृष्ण नवमी को आता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बाणगंगा, चार भुजा, गोगा जी, शीतला माता। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, गोगा जी का मेला लगता है नौहर हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन, जात भीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? देवनारायण जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, गोगा जी को जहार वीर के नाम से जाना जाता है। और ये जहार वीर की उपाधि महमूद गजनवी के द्वारा
दी गई थी और महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, गोगा जी, पाबू जी, तो इसका राइट आंसर होगा पाबू जी के द्वारा युद्ध किया गया था, सॉरी गोगा जी के द्वारा युद्ध किया गया था, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, महमूद गजनवी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, किसकी बहादुरी की करती है मिट्टू मेहा के रावली में उल्लेखित है, तो गोगा जी की, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। मिट्टू मेहा ने गोगा जी के रसावले नामक पुस्तक की रचना की, साथ ही साथ मिट्टू मेहा के द्वारा पाबू जी के संत भी लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का स्थान सामान्य किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के स्थान थर पे जाते हैं, और ये मारवाड़ के अंदर कहावत है कि गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, या गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। अगला क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गोगा जी के प्रतीक है। अगला क्वेश्चन,